नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह। और एक बार फिर बाजार के अंदर सुस्ती का ही माहौल है, लगातार दूसरे दिन बाजार दबाव में देखने को मिल रहा है। और आज 19,064 पे निफ्टी खुला, 19,096 ये आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला। और उसके बाद हमने देखा कि बाजार ने 19,019 का इंट्राडे लो बनाया है, उससे 10 अंक ऊपर 51 अंक नीचे निफ्टी 19,028 का स्तर देखने को मिल रहा है। 19 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में इस समय जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 31 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इस दायरे के बाजार में कब तक बाजार कामकाज करेगा, विदेशी निवेशकों की नाराजगी इतनी ज़्यादा क्यों है, और क्या विदेशी निवेशक लौटेंगे या नहीं, घरेलू निवेशक कब तक बाजार को संभाल के रख पाएंगे, ऐसे में बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर अगले एक घंटे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर भी होंगे, और हमारा खास सेगमेंट वह क्या आईपीओ है में आज एक लिस्टिंग हुई है, दो आईपीओ जो खुले हुए हैं। अब चूंकि अब बिल्कुल आईपीओ के अंतिम पड़ाव की ओर हम आ रहे हैं इन दोनों आईपीओ के, तो अब आपको आज ही रणनीति बनानी होगी कि उसमें निवेश करना है या नहीं करना है। और आखिर में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के, जिसमें बताएंगे कि इस सीमित दायरे के बाजार में भी असीमित रिटर्न देने वाले शेयर कौन से हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं बाजार को बहुत करीबी से पढ़ने वाले अरुण केजरीवाल जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले सर, बाजार पर ही एक छोटी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, अभी किस तरीके से देख रहे हैं बाजार को? ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ, फिर एक रिकवरी देखने को मिली बाजार के अंदर, लेकिन अभी भी वो कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। दो दो युद्ध विश्व में चल रहे हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं जो कि अभी चिंता का विषय बने हुए हैं, और ख़ासतौर से अगर कच्चे तेल की कीमतें ऐसी बढ़ती रहीं तो एक फ्रंट पे वो भी एक परेशानी का सबब खुलने वाला है। ऐसे में बाजार के लिए क्या कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल जी, आपने एक जो समीकरण करी है, पूरे जो विश्व में जो चिंताएं हैं या दुविधाएं हैं, काफी अच्छी तरीके से आपने ये बताया। ये जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, तेल चिंता है, न विदेशी संस्थागत निवेशक जो बेच रहे हैं वो चिंता है। मेरे ख्याल से जो इजराइल हमास का जो युद्ध है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके अंदर में जो सिविलियंस की जाने जा रही है, मेरे ख्याल से ये आंकड़ा 5 डिजिट में आने की तैयारी में है। करीब करीब इसमें कैजुअलिटी 10,000 हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से जो 2.5 साल पुराना युद्ध है, शायद उसमें इतने लोग नहीं मरे जितने कि इस युद्ध में हो रहा है, और इसकी कोई जिसे कहते हैं अंत कहीं दिख नहीं रहा। लोगों को तकलीफ है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, और सब चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, एक सीज फायर हो जाए, लेकिन जब तक हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया जाएगा ये कदई हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से सीमित दायरे में बाजार चलता रहेगा, और जो कहते हैं लिमिटेड ऑप्शंस में पैसे कमाने की रणनीति या पैसे कमाना निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है जी। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शक कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अपने कई सारे प्रश्न भेज चुके हैं, और लगातार प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कुछ एक दर्शकों को सर जोड़ते हैं और उनकी जो दुविधाएं हैं उनको दूर करने के आप प्रयास करते हैं। हमारे साथ रत्नेश पाल जी, पहले दर्शक जुड़े हुए हैं, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, और सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं, क्या क्या प्रश्न है आपका? बढ़िया है सर। अशोक लीलैंड के सर 100 शेयर हैं 207 के भाव पे, 200 क्या करना चाहिए सर, कब तक रोक? 100 शेयर हैं 207 के भाव पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, अभी आपने 207 के भाव पर लिए हुए हैं, 165 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है, कितने समय होल्ड कर सकते हैं आप? पाल साहब 3 महीने। चलिए, अभी तो खैर दबाव में देखने को मिल रहा है, और आपको भी करीब 40-42 रुपए का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 6-7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। सर, ऑटो पैक में जो रैली देखने को मिली, अशोक लेलैंड बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी धीमी चाल अशोक लेलैंड में रही है पिछले अगर 5-6 महीने की बात करें तो, आप कैसे देख रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए इनको? अभी 42-43 रुपए का नुकसान हो रहा है, 2-3 महीने का ही नजरिया है। विपुल जी, अगर आप देखें तो सारा का सारा जो ऑटो पैक है, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स का, उसमें बाजार का पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पे चला गया है। इसके 2-3 अहम वजह है। एक जो टाटा टेक्नोलॉजी की इश्यू आने वाली है, जिसमें टाटा मोटर जितने शेयर है वो एक ओएफएस के तहत बेचेगा,
वो एक कारण है। दूसरा जो कारण है, जो लग्जरी कार में आपकी जो टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी है, जो उसमें वो काम करता है, उसके ऊपर ध्यान है। और जो रिवाइवल देखा जा रहा है कमर्शियल व्हीकल में, उसमें भी टाटा मोटर सबसे ज्यादा आगे है, अशोक लेलैंड थोड़ा पीछे आता है। ऐसे माहौल में ऐसा लगता है कि शायद इनका स्टॉक सिलेक्शन गलत हो गया है। अब जो भी रैली आती है नतीजों के बाद, उसमें शायद ये निकल जाएं तो ये इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि तो ये जो इनको जो गैप है करीब 40 रुपए का, मतलब ये 25% होता है आज के मौजूदा स्तर से। ये लगता नहीं कि ये मेकअप हो सकता है ये 2-3 महीने में। इतनी बड़ी रैली अशोक लेलैंड में आ जाए ऐसा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं नतीजों के बाद में जो भी इनको रैली आती है, उसमें शायद मेरे हिसाब से इनको ये शेयर से निकल जाना चाहिए और किसी शेयर में निवेश करे, ये मेरी राय रहेगी। तो कोई भी रैली मिले सर, जो आप जहाँ पे आप नुकसान बुक करने की स्थिति में हो, आप एक बार बुक कर लीजिए या कोई भी रैली में निकल जाइए, क्योंकि अभी 2-3 महीने के अंदर आपके भाव आ पाए ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बहुत सारे शेयरों पर चर्चा करेंगे, तो जहाँ आपको बेहतर स्थिति दिखे आप वहाँ पर जो है निवेश करके इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। सुब्रत पांडा जी का प्रश्न आया है यूट्यूब के माध्यम से, इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं सर हैवेल्स किस लेवल पे खरीदना चाहिए, हैवेल्स के लेवल लेकर के इनका प्रश्न है। अभी अगर हम देखें हैवेल्स 0.5% की मजबूती है, 1251 1252 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, 9-10% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अगर देखा जाए सर, तो इस शेयर ने भी एक तरीके से अंडर परफॉर्म ही किया है, बहुत लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या इस तरह के शेयरों में अभी निवेश करना चाहिए, अभी 1251 1252 पे चल रहा है? विपुल जी, सुब्रत जी से ये एक सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने हैवेल्स ही क्यों चुना। अगर उनके पास में कोई खास वजह है तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने एक एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये एक अंडर परफॉर्मिंग शेयर है बाजार को देखते हुए, तो जिसे एक एक और कारण से कह सकते हैं कि ये एक शायद थोड़ा सा नरम शेयर है। तो अच्छे शेयर में निवेश कीजिए जिसमें आपको की एक मोमेंटम मिले। ये शेयर में जाने से बेहतर कई शेयर हैं जिसमें आप बाजार में निवेश कर सकेंगे। ठीक, इसे अवॉइड करना चाहिए। इसे अवॉइड करना चाहिए सर। अभी ये हमें पता नहीं आप क्यों खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है तो पता नहीं, लेकिन वैसे अवॉइड है। यहाँ पर सलाह जो है जो अरुण जी की आई है, तो यहाँ से आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वंदना जी का सवाल ले लेते हैं, और वंदना जी कह रही हैं यूको बैंक में सर एंट्री किस लेवल, एंट्री का लेवल बताइए। यूको बैंक हमने देखा बिल्कुल बीच में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन उसके बाद पीएसयू बैंकों की अभी सर अच्छी खासी रैली पीएसयू बैंक में रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो है अच्छी खासी पिटाई भी हुई है। एक महीने में करीब 17% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है यूको बैंक के शेयर ने, लेकिन जब रैली थी तो काफ़ी शानदार रैली हमने देखी है इन तमाम बैंकों के अंदर। एक साल के अंदर 180% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर हैवल यूको बैंक को लेकर के, क्या आपकी राय है, और ख़ासतौर से जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं जहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिला, रिजल्ट्स भी जो हम देख रहे हैं अभी तक के ज़्यादातर बैंकों के ठीक आ रहे हैं, आपकी राय पीएसयू बैंक्स को लेकर के? विपुल जी, अगर आप इसका चार्ट वापस दिखाएंगे जी दर्शकों को, तो आपको इसमें एक खास पैटर्न दिखाई देता है कि शेयर ने एक रैली, अच्छी शानदार रैली दी, उसके बाद में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, फिर शेयर ने एक रैली दी और फिर एक करेक्शन दे रहा है। मेरे बिल्कुल ख्याल से हाल ये कुछ समय में, हो सकता है सप्ताह 2 सप्ताह में, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन होकर ये कहीं ना कहीं पूरा होगा, और फिर ये शेयर वहां से धीरे धीरे ऊपर चल के पिछला जो हाई बनाया है उसे क्रॉस करेगा। मेरी राय निवेशक को ये रहेगी कि मान लीजिए आप इसमें 1,000 शेयर खरीदना चाहते हैं एक उदाहरण के तौर पे, तो 1,000 शेयर एक साथ मत खरीदिए, इसको एक टाइम में खरीदिए, 100-100 शेयर करके 10 बार खरीदिए, आपको एक बेटर प्राइस भी मिलेगी और आपको खुद के निश्चय के ऊपर में या डिसीशन जो आपने लिया है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मौजूदा स्तर से आप समझ लीजिए अगले 15-20 दिन में अपना निवेश कर सकते हैं, उसके बाद में आपको एक अच्छी मूव इसमें बनते हुए दिखेगी। ठीक, चलिए इस बीच जो है हमारे साथ एक और दर्शक ने प्रश्न भेजा है, आशु जी ने प्रश्न भेजा है,
और आशु जी इस समय कार्यालय में हैं तो फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे। उनका निवेदन था कि वो कार्यक्रम देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर पाएंगे। इनका सवाल IRB इंफ्रा को लेकर के है। ओहो, 79,000 शेयर ले रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा, करीब करीब 90,000 शेयर ले रखे हैं उन्हें, तो क्या प्रमोटर बनने के मूड में आ रहे हैं लग रहा है आशु जी। और औसत कीमत इनकी 24.77 रुपये है और कह रहे हैं कुछ शेयर में बेच चुका है तब इनके पास इतने ज़्यादा शेयर पड़े हुए हैं। तो अब एक शेयर में सर इतना निवेश कितना सही है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। IRB इंफ्रा में पिछले कुछ दिनों में कुछ एक ऑर्डर्स को लेकर के और काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर रही हैं, उसके चलते एक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था। पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास का मूव देखने को मिला है, पॉजिटिव जो है यहाँ पर। अब क्या करना चाहिए सर, IRB इंफ्रा काफ़ी, हालांकि अच्छी बात यह कि प्रॉफिट में है अच्छे खासे, 24.77 पे खरीदा हुआ है, 33.75 का भाव है, तो यहाँ पर 8-9 रुपये इन्हें मिल रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? 90,000 के आसपास शेयर हैं। देखिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या करना चाहिए, ये खाली ये पूछ रहे हैं ये शेयर कैसा है। अच्छा शेयर है, अगर ये कंपनी का प्रदर्शन देखें वो भी अच्छा है, इसने हाल ही में नतीजे भी अपने घोषित किए हैं दूसरे तिमाही के, उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, इसे कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं और इसने NHAI से एक प्रोजेक्ट भी खरीदा है जो मोनेटाइजेशन NHAI ने किया है। मेरे ख्याल से निवेशित रहिए, अभी भी इसमें काफी जूस या स्टीम बाकी है। आपने एक अच्छा शेयर चुना है और जो आप नंबर कह रहे हो 89,000 शेयर, मेरे ख्याल से उसे वो नंबर सुनकर विपुल जी घबराना नहीं चाहिए। इसकी जो वैल्यू है पर शेयर वो कम है, लेकिन एक अच्छा प्रदर्शन कंपनी दिखा रही है और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिस क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, वो एक काफी बड़ा क्षेत्र है इंडिया में जिसके ऊपर सरकार का भी काफी ध्यान है और काफी रुपए खर्च किए जा रहे हैं जी। अगले दर्शक हमारे साथ श्रीकांत भूटानी जी हैं, जिन्होंने YouTube के माध्यम से प्रश्न भेजा है और इन्होंने वोडा आइडिया के 40,000 शेयर ले रखे हैं और कह रहे हैं 12.61 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। अभी कह रहे हैं टारगेट मैंने अपने लिए 60 रुपये रखा हुआ है। तो सर ये जो लक्ष्य इन्होंने अपने मन से निर्धारित किया है, ये कितना प्रैक्टिकल लग रहा है? आज हालांकि काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है शेयर, निश्चित रूप से 10% से ज़्यादा की तेजी है, ये भी प्रॉफिट में है, 13.15 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद 12 रुपये समथिंग पैसे की है। तो 60 रुपये का लक्ष्य आपको प्रैक्टिकल लग रहा है? अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने समय तक होल्ड करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने मन से, अपने एनालिसिस से, चाहे जिस विधि से, 60 रुपये का टारगेट रखा हुआ है। विपुल जी, हर निवेशक को एक टारगेट मन में बनाना उसका हक है। जब आप पैसा निवेश करते हो तो आपको एक हक है कि आप एक प्राइस तय करें कि भाई मेरे को ये लगता है कि ये शेयर का ये भाव हो सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको ये कहूं कि जो BSE का सूचकांक है 64,000-65,000 के बीच में घूमता है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 1.5 लाख हो जाएगा, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि ये संभव है कि नहीं है। आपको लगता है कि हो सकता है, केजरीवाल जी ने आज एक नंबर दिया है 2-4-5 साल में हो जाएगा। ये जो नंबर 60 रुपए का इन्होंने तय किया है, ये 2-3 चीज अज्यूम कर रहे हैं। पहला कि वोडाफोन जो फिलहाल लॉस में चल रही है वो कमाई में आ जाएगी। दूसरा वो ये सोच रहे हैं कि जो वो कंटिन्यूअस हर क्वार्टर में, हर तिमाही में वो कुछ उसके सब्सक्राइबर्स को खोती है वो बंद हो जाएगा और उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगेगा। ये सब चीजें अगर हो जाती है और 3-4 साल तक लगातार होता है तो क्या पता इनके भाव के नजदीक शेयर बढ़ सकता है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी तरक्की, 5 गुनी की बढ़त इस शेयर में किसी भी हाल में हो सकता है। ठीक, चलिए, तो भूटानी साहब ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई। इस बीच सरवन चौधरी जी कह रहे हैं, विपुल जी जय श्री राम। तो जय श्री राम सरवन जी, कैसे हैं आप? इसके अलावा जो है राजेश नरूला जी का प्रश्न आया है जुपिटर वैगन को लेकर के, कह रहे हैं कि सर क्या जुपिटर वैगन को करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है? जुपिटर वैगन सर इसी कार्यक्रम में एक बार आपकी तरफ से रिकमेंडेशन भी आई थी और बहुत सारे दर्शकों ने हमारे उसमें लाभ भी कमाया था, बहुत सारी टिप्पणियाँ आई थी। अभी जो है जब बाजार टूटा है तो ये शेयर भी अब नीचे आया है थोड़ा, 311 के आसपास चल रहा है अभी, आज भी 0.5% नीचे है। क्या करंट लेवल पर खरीदारी की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में अब कामकाज कर रहा है?
देखिए जो 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 कारोबार है कंपनी का, उसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुई है। कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है और मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि का आपका ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट करने का, निवेश करने का, तो ये शेयर अच्छा है। कंसोलिडेशन भी काफी समय से कंपनी कर रही है, 1.5-2 महीने से, और मुझे लगता है ये साइडवेज कंसोलिडेशन पूरा करके वापस इसमें एक अपमूव आएगा। लेकिन जो आपने पिछली बार जो इसमें एक बढ़त देखी थी, शायद उस टाइप की बढ़त अब की बार देखने को नहीं मिले, क्योंकि शेयर का जो बेस है वो करीब 3 गुना 4 गुना हो चुका है पिछले समय से। तो ग्रोथ मिलेगा, मुनाफा भी मिलेगा, लेकिन अब जो परसेंटेज रिटर्न है वो पिछली बार से कम मिलेगा। निवेश के लिए शेयर अच्छा है, आप निवेश कर सकते हैं और मौजूदा स्तर पे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में खरीदारी करेंगे तो आपकी एवरेज प्राइस अच्छी रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहें, जब 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 आपको लगे कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर, तो उससे आपके सही प्राइसिंग पे आपका निवेश जो है वो होता रहेगा। मोहम्मद दाविद कलाम साहब ने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं कि सर इनके पास, सर मेरे पास 80 शेयर लिए हुए इन्होंने टाटा स्टील के, 135 रुपये की इनकी ख़रीद है। अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर वेट करें या फिर लॉस बुक करें, और अगर लॉस बुक करें तो फिर कोई दूसरा सेक्टर बता दीजिए, कोई मेटल सेक्टर में कोई दूसरा शेयर बता दीजिए जो कि हम 3-4 साल के लिए होल्ड करें। तो टाटा स्टील सर बिल्कुल पूरे मेटल पैक में ही, सर मेटल पैक में ही आप क्यों रहना चाहते हैं, कोई दूसरा शेयर लेना चाहते हैं मेटल पैक में? सर अभी भी हम देख रहे हैं कि जब से वो चाइना के अंदर स्लो डाउन हुआ है उसके बाद से कोई खास मूवमेंट नहीं रहा है, बीच बीच में एक दो रैलियाँ आई हैं लेकिन अभी भी कोई सस्टेनेबल रैली मेटल पैक में नहीं देखने को मिल रही है। और अगर टाटा स्टील की खास तौर से बात करें तो पिछले 1 महीने में करीब 8% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, पिछले 6 महीने में टोटल 6-7% का रिटर्न देखने को मिला है, और पूरे साल में जब बाजार इतना चला तब भी इसने 15-16% का ही रिटर्न दिया है। टाटा स्टील का अगर आप देखें तो दो चीज इसके बारे में अहम होती है। एक, इसकी जो ग्रुप कंपनीज है उसको काफी सारे को ये अमेलगमेट करके मर्ज करके टाटा स्टील में शामिल कर रहा है, TRF, टाटा लॉन्ग मेटल और शायद दो कंपनी और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट चार कंपनी को इसमें जिसे कहते हैं मर्ज करके एक एंटिटी बन जाएगी। इससे बिजनेस का कंसोलिडेशन भी होगा और टाटा स्टील भी एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी आज के मुकाबले। मेटल पैक में जैसे आपने शुरू में ही कहा, चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाइना में स्लो डाउन देखने को मिला है जिसके कारण बेस मेटल के जो प्राइसेस हैं वो काफी अफेक्ट हुए हैं। मेटल में पिछले 6-8-12 महीने से आप समझे तो एक स्लगिश ट्रेंड देखने को मिल रही है, काफी कुछ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इसके कारण प्रदर्शन कंपनियों का अच्छा है, माल बिक रहा है, लेकिन जो मेटल के प्राइसेस हैं वो काफी सब्ड्यूड या गिरे हुए हैं। समय लग सकता है मेटल पैक को इम्प्रूव होने के लिए, क्योंकि तो चाइना के अलावा यूरोप में भी जो स्लो डाउन है या स्लगिशनेस है वो अगर इम्प्रूव नहीं होता तो मेटल का डिमांड में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टील में देखने को मिल रहा है वो बाकी मेटल्स में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर जैसे इन्होंने दूसरा एक सवाल पूछा था कि अगर मैं टाटा स्टील से निकलकर और कोई शेयर मेटल क्षेत्र में लेना चाहता हूं, तो वो जो कहते हैं ना, एक से निकल के दूसरे में जाएंगे और फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, तो मेरे ख्याल से अगर आप स्टील में रहना ही चाहते हो तो टाटा स्टील बेटर है, क्योंकि तो अब ये जो अमेलगमेशन हो रहा है इसके बाद टाटा स्टील एक कंपनी जो है एक नए रूप में उभर कर निकलेगी। तो सर मेटल में ही रहना है तो टाटा स्टील को ही पकड़ करके रखिए, हाँ कोई दूसरे सेक्टर में निवेश करना हो तो विषय अलग है। मोहित यादव जी का एक सवाल आया है, सर मोहित यादव जी कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्यूचर का को क्या फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है सर, जैसे बजाज फाइनेंस बना था? तो कह रहे हैं कि क्या जियो फाइनेंशियल भी बजाज फाइनेंस की तरह मल्टी बैगर बन सकता है, आज पैसे लगाएं और आने वाले समय में इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिले, क्या ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है सर आपको? क्योंकि अभी तो 1 क्वार्टर के रिजल्ट देखे हमने, वो बहुत उत्साहजनक नहीं थे। विपुल जी, जियो फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल है उसे समझने में और जो कहते हैं स्पष्टीकरण आने में
दो तीन तिमाही और लगेंगे। बड़ी कंपनी है, बड़ी एंटिटी है, तो जो इनका पहला सवाल था कि क्या ये मल्टीबैगर बजाज फाइनेंस की तरफ बन सकता है, मेरा जवाब रहेगा हाँ बन सकता है, लेकिन उसे 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये आज कहना मुश्किल है। 2 तिमाही के बाद में कुछ अंदाजा लगेगा कि ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज में कहाँ जाने वाली है, कहाँ निवेश करने वाली है, कहाँ पे काम धंधा करने वाली है। मान लीजिए ये वही काम करती है जो बजाज फाइनेंस करती है, आपको लोन देना या आपका वो बाय नाउ पे लेटर की जो एक फैसिलिटी है, आप कोई भी चीज खरीद सकते हो, तो उसके अंदर में पैसे का रिटर्न इतना ज्यादा नहीं मिलेगा कंपनी को। तो दो दो सवाल का एक जवाब, समय लग सकता है, कंपनी में क्षमता है मल्टीबैगर बनने का, लेकिन आपको काफी धैर्य रखना पड़ेगा। बन सकता है बिल्कुल सर, लेकिन काफ़ी धैर्य रखना होगा आपको, और अभी थोड़ा सा और स्पष्टीकरण आ जाने दीजिए, एक दो क्वार्टर के नतीजे देख लीजिए, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर में कंपनी जाना किस दिशा में चाह रही है। चलिए अब अगले दर्शक हमारे साथ हैं, कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, और ये कह रहे हैं कि सर जी अदानी पोर्ट के बारे में बताइए। सर अदानी समूह को लेकर के लगातार सवाल आते रहते हैं, चाहे वो अदानी की बाकी कंपनियाँ हों, अदानी पोर्ट हो, अदानी पावर हो, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है जो जांच चल रही है इनकी उसके बारे में कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हो गई है, लेकिन उसमें अंदर क्या था वो अब तक कुछ सामने आया नहीं है। अभी क्या करना चाहिए सर अदानी पोर्ट पे? अभी इन्होंने नहीं लिखा है कि इन्होंने लिए हैं या लेना चाह रहे हैं, अगर खरीदे हैं जिसके पास पड़े हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जिन लोगों को इस गिरावट पर खरीदारी करना चाह रहे हैं जैसे आज भी 2% टूटा हुआ है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, अगर अडानी समूह की बात करें तो जो क्राइसिस आया था जनवरी के महीने में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो 3-4 महीने में ये शेयरों की काफी पिटाई हुई थी, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन रिकवरी ने जनवरी के जो भाव थे वहां पर वापस शेयर नहीं आ सके हैं। अगले 4-5 दिन में अडानी समूह के जितनी कंपनियां हैं सबके रिजल्ट नतीजे तिमाही के आ जाएंगे। मेरी उम्मीद ये है कि कंपनी के नतीजों में ग्रोथ देखने को मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और इन्होंने जो पैसे जुटाए हैं और कुछ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अपने जो लोन्स लिए हुए थे वो किए हैं, उसका लाभ कंपनी की बैलेंस शीट, अलग अलग कंपनी की बैलेंस शीट को अवश्य मिलेगा। अगर आपके निवेशक अडानी पोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अवश्य कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, ये इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनके पास में जो एसेट्स हैं अलग अलग पोर्ट्स हैं उसके अंदर में जिस हिसाब से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड हो रहा है, इसके अंदर में कहीं पे भी कमी नहीं आएगी। इस बीच अनुज वर्मा जी कह रहे हैं कि NMDC के ऊपर इनका सवाल है सर, और ये कह रहे हैं कि करंट लेवल पर बाई क्या कर सकते हैं। अच्छा ये अच्छी बात है सर कि अब बाज़ार में जब जब गिरावट हम देख रहे हैं तो लोग पैनिक करने के बजाय और मतलब शेयरों पे रिसर्च कर रहे हैं और नए शेयर लेना चाह रहे हैं। अब NMDC आज हम देख रहे हैं 0.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये खरीदारी यहाँ पर करना चाह रहे हैं, क्या एंट्री की जा सकती है? पिछले एक महीने में करीब 3% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, 6 महीने में 40% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए NMDC टाटा स्टील से थोड़ा सा विपरीत है, टाटा स्टील स्टील बनाती है और NMDC उसका रॉ मटेरियल, आयरन ओर की माइंस है उसके पास में, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स जुटाती है और उसे बेचती है। अगर आप जैसे ये चार्ट देखें तो ये अभी भी उछले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि टॉप भाव से थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन पिछले 6-8 महीने में कंटिन्यूअसली ये शेयर में एक तरह से एक अप ट्रेंड है जो ऊपर जाकर थोड़ा नीचे आता है, ये पिछले बॉटम के आसपास कहीं नहीं पहुंचा। शेयर की चार्ट अच्छी है, इसमें निवेश किया जा सकता है और इसमें पैसे भी बने। जी तो निवेश किया जा सकता है, इसमें आपको पैसे भी बन सकते हैं। कांति नगर जी ने अपना प्रश्न भेजा है, और कांति नगर जी कह रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर, 12.80 रुपये के भाव पर इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं,
उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सुना कि ग्रीन पावर एनर्जी में काम करती है, ये सुन करके मैंने शेयर ले लिया। तो चूंकि इनको लगा कि अब आजकल का जो दौर है वो अल्टरनेटिव एनर्जी को लेकर के लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी की है। सर अब क्या करना चाहिए, इन्होंने अगर अभी का मौजूदा भाव देखें तो करीब 13.15 रुपये पे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और इनकी खरीद 12.80 पर है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इनकी खरीद के आसपास ही कामकाज करता हुआ। अब इन्होंने जो सोच के लिया वैसा कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन में है। आपकी क्या राय रहेगी, हालांकि शेयर में रैली एक अच्छी देखने को मिली, पिछले 6 महीने में करीब 60% के आसपास का रिटर्न दिया है, 7-8 रुपये से चलते हुए अब 13 रुपये पे आ गया है। सर विपुल जी, ओरियन ग्रीन पावर ने एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसकी हालत काफी खस्ता हुई थी और इसने एक बड़ा फंड रेज भी किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि एक टर्न अराउंड कंपनी हो जाएगी, और जैसे सुजलॉन में एक बड़ा मूव आया जहां पे शेयर 5-6 रुपए से चलकर 30 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगा है, ऐसा इसमें भी होगा। जहां तक ग्रीन पावर का सवाल है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का काम करता है, इसमें भी ऐसी बातें चल रही है कि शायद इसके अंदर में एक बड़ा टर्न अराउंड नया इन्वेस्टमेंट होकर कंपनी का प्रदर्शन सुधरेगा। बातें अच्छी है लेकिन नतीजे आने में शायद कुछ समय ज्यादा लगे, और इन्हें जो एक कहते हैं जो कीप हिज ईयर्स टू द ग्राउंड और देखें और सुने कि डेवलपमेंट और उम्मीद में कहां पर ये सही निकलते हैं। मौजूदा स्तर पे खोने को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा कि इसमें शेयर में मूवमेंट आए और इन्हें कुछ 2 पैसे मिले। एक आखिरी बात जो इन्हें ध्यान रखनी चाहिए, कंपनी की इक्विटी बहुत बड़ी है तो मूवमेंट होने में समय ज्यादा लगता है। तो समय लग सकता है सर, ये आपके लिए सलाह है। यहाँ पर राजेंद्र जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, महिनान की टीम को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में बने रहने के लिए। देवराज सिंह रावत जी का प्रश्न आया है, सर ये टाटा पावर को खरीदना चाहता हूँ, क्या अभी सही समय है लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? सर पावर सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं और ख़ास तौर से टाटा पावर पे अभी ये निवेश करना चाह रहे हैं? आज हम देख रहे हैं 0.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही टाटा पावर के अंदर, आपकी क्या सलाह रहेगी सर? विपुल जी, एक शानदार रैली शेयर ने दिया था और उसके बाद में एक छोटा सा करेक्शन भी किया है, ऐसा लग रहा है इसका कंसोलिडेशन फेज या करेक्शन फेज लगभग पूरा होने को आ रहा है। 225-230 के आसपास मुझे लगता है इसका करेक्शन पूरा हो जाना चाहिए, और जैसे मैं कई लोगों को सजेस्ट कर चुका हूं कि अगर आप किसी शेयर में निवेश करने चाहते हैं तो छोटे छोटे क्वांटिटी में शेयर लीजिए, 3-4-5 हिस्सों में अपनी परचेज बांटिए, जिससे कि आपको एक एवरेज बेटर मिल जाए और 2 पैसे ज्यादा कमाई हो जाए। निवेश अवश्य किया जा सकता है शेयर में, बिल्कुल निवेश किया जा सकता है, तो आपने जो चुनाव किया है कंपनी का वो सही चीज किया है। माफ कीजिएगा, बस कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश को आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये रजत माहेश्वरी जी का प्रश्न है, और इन्होंने जो है 12 शेयर इंडिया मार्ट के ले रखे हैं, 2500 रुपये में 2022 में लिया था इन्होंने, और कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए, अब आगे क्या किया जाए। 2500 में इन्होंने लिया था, 2022 में एक साल से ऊपर हो गया इनको होल्ड करते हुए, अभी 2585 के आसपास चल रहा है, तो प्रॉफिट में है लेकिन जितना रिटर्न मिलना चाहिए 1-1.5 साल होल्ड करने के बाद, हालांकि इन्होंने लेवल काफ़ी अच्छे देखे होंगे, 31-32 स्टॉक के भी लेवल इन्होंने देखे होंगे, लेकिन शायद इन्होंने बेचा नहीं प्रॉफिट को, उस समय बुक नहीं किया। अब क्या करना चाहिए सर, अभी तो ऊपर से काफ़ी नीचे आ रहा है, पिछले 1 महीने में 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला, 6 महीने में 8% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, तो अब क्या करना चाहिए इनको इन लेवल्स पे? विपुल जी, ये जो इन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं ये एक मौका यूज करना चाहता हूं निवेशकों को बताने के लिए कि आप जब कोई शेयर खरीदते हो तो आपको एक प्राइस टारगेट कम से कम मन में रखना चाहिए कि भाई अगर ये शेयर यहाँ से 20%, 25% जो भी आप लेवल सोचते हो, अगर वो उतना बढ़ जाए तो मैं मेरा शेयर बेचूंगा। अगर आप वो प्राइस टारगेट बेचने का नहीं रखते हो तो आपको जैसे
ये निवेशक के साथ हुआ वो आपको नुकसान लग सकता है। मान लीजिए आप एक प्राइस टारगेट आने के बाद आप सोचते हो कि मैं बेचूं या नहीं, शायद इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए कि अगर ये शेयर मौजूदा स्तर से 100 रुपया घट जाएगा तो मैं बेच दूंगा, कम से कम कुछ प्रॉफिट कैप्चर होगा। इनका जो भी नफा था लगभग इनको मेरे हिसाब से 40% का नफा मिल रहा था और वो साफ हो गया और अब ये करीब करीब भाव भाव हो चुके हैं। तो ऐसा मौका निवेशक को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ये एक इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि एक प्राइस टारगेट आने के ऊपर में या तो नफा कीजिए या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के रखिए जिससे कि कुछ ना कुछ आप कैप्चर कर दो। जी चलिए, हरे शंभू जी कह रहे हैं आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मुझे भी रिप्लाई कर दीजिए। सर, एफल इंडिया इन्होंने लिए हुए हैं और एफएल के शेयर इन्होंने 1040 पर लिए हैं मई 2021 में। अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो सर, आपका दूसरे सवाल को बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इस पर ही बात कर लेते हैं एफएल को लेकर के। सर, एफएल इंडिया पे इन्होंने इनका सवाल है और जानना चाह रहे हैं कि 1040 में लिया हुआ है इन्होंने, अभी मुझे कब निकलना चाहिए, किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और अभी 1054 चल रहा है, तो 1040 पर लिया, 13-14 रुपये इन्हें मिल रहे हैं, लेकिन होल्ड करते हुए इन्हें लंबा अरसा हो गया, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया। आज हम देखें तो थोड़ा सी मजबूती है, लेकिन पिछले 1 महीने में करीब 5-5.5% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर, कहाँ पे निकलना चाहिए इनको, क्योंकि लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं? देखिए एफएल में भी वही हुआ जो इंडिया मार्ट में हुआ, इसमें भी अच्छे खासे मूव आए हैं 2-2.5 साल में, लेकिन कहीं ना कहीं निवेशक जो है जब शेयर के दाम बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है अब होल्ड करना चाहिए, जब वो गिरने लगता है तो डर या भय मन में आ जाता है कि अब ये वापस घूम जाएगा तो मुझे घबराना नहीं चाहिए। तो ये जो ग्रीड एंड फियर जो होता है, जो शेयर बाजार के दो पहलू हैं, इससे उभरना पड़ेगा निवेशक को। और जैसे मैंने कहा कि एक टारगेट सेट कीजिए, आपका टारगेट आ जाता है बेच दीजिए, वर्स के सिनारियों में क्या होगा आप थोड़ा जल्द बेच दोगे, जो आपसे शेयर खरीद रहा है वो कुछ कमाएगा, उसे भी कमाने दीजिए, आपको फर्क क्या पड़ता है, आपने भी कमाया वो भी कमाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद से जरा हम फिर बजिंग स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे, उसके बाद बाकी के सवालों पर चर्चा करेंगे। चलिए, कांति जी कह रहे हैं कि थैंक यू सर मेरा सवाल लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर सवाल पूछने के लिए आपका। और अगले दर्शक जो हमारे साथ प्रश्न पूछना चाह रहे थे वो हैं जय जी। जय जी का प्रश्न है AGI ग्रीन पैक के ऊपर, और कह रहे हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, फिर भी ये क्यों गिर रहा है, क्या हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं? अभी आज हम देखें तो 0.5% के आसपास की गिरावट है AGI ग्रीन पैक के अंदर, 880 का भाव देखने को मिल रहा है, और पिछले 1 महीने में करीब 3-4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सर, अब सेल ऑन न्यूज़ तो बहुत कॉमन फैक्टर है मार्केट के अंदर, अच्छे नतीजे रहे, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, 6 महीने में 113% चल गया शेयर, तो अब आप इतना ऊपर भागने के बाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो मैं अरुण जी से पूछूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है इस शेयर के अंदर। सर, अगर आप ट्रैक करते हो सर AGI ग्रीन पैक, काफ़ी शानदार मूव रहा है इस शेयर के अंदर, अब ऊपरी स्तरों से हल्का हो रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या एक्युमुलेशन कर सकते हैं? विपुल जी, आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। लार्सन ने कल जो अपने नतीजे अनाउंस किए, बड़े शानदार नतीजे थे, बिल्कुल, और नतीजे देखने के बाद में मुझे ये लगा कि आज ये शेयर चढ़ेगा, चढ़ने के बजाय शेयर घटा है। तो ये अक्सर देखा जाता है कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर नतीजे आने पर भी शेयर में तेजी नहीं मिलती, गिरावट मिलती है। ये एक बाजार में नया सिस्टम चालू हुआ है, 1-2-3 दिन तक बाजार घटता है और उसके बाद में कुछ मूवमेंट आता है। हर शेयर में ये होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट एक ऑब्जर्वेशन है। जहां तक जो AGI ग्रीन पैक का सवाल है, मैं ये शेयर को ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन चार्ट ये कहता है कि इसमें एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एक अच्छी खासी रैली होने के बाद में हो सकता है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और हो, और उसके बाद जो वीक हैंड्स शेयर में निकल जाएंगे उसके बाद में नई मूव की तैयारी शेयर में होगी। अगर आप नीचे वॉल्यूम देखें तो कई दिन इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा है एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा।